सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं व्लॉग के अंदर पुरानी दिल्ली की। तुर्कमान गेट आप देख पा रहे हो जैसे स्क्रीन पे, तो पुरानी दिल्ली के बारे में मैं ये बताना चाहती हूँ। वैसे तो सब जाना माना है और दिल्ली यही थी पहले, असली दिल्ली यही है। तो आज मैं गई थी यहाँ की एक मार्केट एक्सप्लोर करने, जिसका नाम है चितली कबर, जहाँ पे हर चीज़ मिलती है, चूड़ियों से लेके लहंगे तक, लहंगे से लेकर बर्तन तक, बर्तनों से लेके खाने तक, और खानों से लेके हर चीज़, मतलब जूते हों, चप्पल हों, हैंडबैग हो, कपड़ा हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ नहीं मिलती हो। तो चितली कबर ऐसी मार्केट है जहाँ पे आपको ज्वेलरी भी मिलती हैं, चूड़ियाँ भी मिलती हैं, घर के जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे अवेलेबल होती हैं ऑल टाइम। और रोटियाँ, खाने, हर तरीके के खाने, वैरायटी ऑफ खाने आपने सुना होगा कि यहाँ पे मिलते हैं। तो हम बात तो सिर्फ आज करने वाले हैं चितली कबर की, जो मेन एक जगह है, यहाँ मार्केट है। वैसे यहाँ पे आप लोगों ने जामा मस्जिद बहुत मशहूर है पुरानी दिल्ली की, देखी ही होगी काफ़ी टाइम। पुरानी दिल्ली की जो सबसे ज़्यादा मशहूर जगह है वो जामा मस्जिद भी है, लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं, एक तरीके से एक हिस्टोरिकल प्लेस है। बाकी जो हमारे चार गेटों के अंदर दिल्ली थी वो थी अजमेरी गेट, दिल्ली गेट, तुर्कमान गेट और कश्मीरी गेट। तो इन चार गेटों के अंदर पहले दिल्ली हुआ करती थी। तो आज हम व्लॉग के अंदर यही देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं व्लॉग को। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका स्वागत है इसी की दुनिया में। होप आप अच्छे होंगे, हेल्थ होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। जो नई चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलें। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। सो गाइस, आज सीन ऐसा है, आज मैंने स्टार्ट कर दिया अपने मॉर्निंग रूटीन से। काफ़ी दिनों से मैं मॉर्निंग रूटीन नहीं दिखा रही थी, तो आप लोग शायद ये बात पसंद नहीं कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है आपको मेरा मॉर्निंग रूटीन देखना ज़्यादा पसंद है, कि मैं आँख खुलते के साथ व्लॉग करना स्टार्ट करूँ, आपको यही पसंद है शायद। क्योंकि मेरी अभी एक दो वीडियो में इस तरीके के व्यूज़ आए हैं कि बिल्कुल ही मुझे मन कर रहा था कि मैं बस क्या कर दूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि आप लोगों को शायद मेरा मॉर्निंग रूटीन से ही स्टार्ट करना पसंद है, तो मैंने आज स्टार्ट करा है मॉर्निंग रूटीन से। किचन में आई जस्ट अभी फ्रेशन अप होके, अब बनाने जा रही हूँ मैं मूसा का ब्रेकफास्ट। मूसा भाई अभी सो रहे हैं, मैं दिखाता हूँ, सब सो रहे हैं। बोरे मूसा, मूसा उठ जाओ, ये भी से उठा दीजिए जल्दी। अभी ये खुद सो रहे हैं, क्या उठाएंगे। सो गाइस, जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, मूसा का टिफिन पैक करती हूँ, हस्बैंड का टिफिन पैक करती हूँ, फिर मिलती हूँ। आप भी देखिए साथ में। तो गाइस, एक कांड हो गया जी। कांड कैसा कांड हुआ देखो, तो सालन निकाल ली थी, वो बिल्कुल जमा हुआ था, तो इस वजह से मेरी चम्मच ही टूट गया। गाइस, एक दिलबाजी ऊपर से ये चम्मच टूट गया, क्या करें। आप भी उठ गई। हाँ क्या हुआ बेबी, क्या हुआ, क्या हुआ, बे आ रही हूँ मैं। सो गाइस, की रोटी बन गई है, दाल भी गरम हो गई है, अब गरम कर दे, गरम कह रही हूँ, पैक कर देते हैं इसका ब्रेक। टिफिन, टिफिन जबान पुलिस रही है। हाँ मूसा आ रही हूँ, रुक जाओ। सो गाइस, सफाई अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है, हस्बैंड का भी टिफिन पैक हो गया, मूसा का भी टिफिन पैक हो गया। मूसा भाई रेडी भी होगा, है मूसा। और गाइस, आपने जैसे देख ही लिया होगा, मूसा को टूट फेरी ने गिफ्ट दिया था और मूसा बहुत खुश है उससे, है ना, खुश है। और ये देखो, ये अभी उठी है और बहुत ही ज़्यादा उधम मचा रही है, लेकिन ना हाँ तो अच्छी बच्ची है, सुनती है मम्मा का कहना, है ना तू। ये रातों को उनको तेल लगाया था तो, लेकिन आज इनका शैम्पू भी ख़त्म है, तो शैम्पू लेकर आएंगे, फिर शैम्पू करेंगे। और इधर बन रही है चाय की तैयारी, टी बनाते हैं, खाते हैं, मिलते हैं। 2000 years later. मैं आई हूँ पुरानी दिल्ली की बहुत ही अमेजिंग मार्केट में, मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी ये मार्केट है कैसी। इसका नाम है चितली कबर और बहुत ही मशहूर मार्केट है, बहुत अच्छा सामान मिलता है, तो चलो एक्सप्लोर करते हैं।
सो गाइस ये स्टार्ट करते हैं आज की मार्केट का सफ़र जो कि बहुत ही अमेजिंग होने वाला है और आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो शुरुआत हुई है यहाँ से, मैं पीछे के रास्ते से आई थी जो गोलचे की तरफ से रास्ता है। इस जगह को त्राई ब्रह्म खान बोलते हैं, तो त्राई की साइड से आई हूँ। उसकी तीन जगह से रास्ते हैं, काफ़ी जगह से रास्ते हैं क्योंकि दिल्ली एक दूसरे में जुड़ी हुई है। और सॉरी ये डॉगीज की आवाज़ आ रही है क्योंकि मैं रात को 2 बजे वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। तो गाइज़ यहाँ देखें आप, शुरुआत ही में आप लोग मतलब लेडीज़ें तो आएंगे उनके तो आके चक्का चौंध लेंगे। ये देखें सर्दियों के वेलवेट के कपड़े कितने अमेजिंग लग रहे हैं, एक से एक डिज़ाइन है। मतलब बहुत से डिज़ाइनर्स यहाँ आते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, इतने महंगे महंगे ड्रेसेस बना लेते हैं कि वो फिर ना 25-30 हज़ार की बेचते हैं, वो इस जगह से ही लेते हैं। और देखें हैंड बैग्स, इतने अमेजिंग हैंड बैग्स हैं मैं बता नहीं सकती, इतनी अच्छी वेराइटी है यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर ज़रूर आके विज़िट करें। और देखें बच्चों के रोमपर्स, गर्म कपड़े, अब आपको जैसे पता है सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियाँ आ गई हैं मतलब गर्म कपड़े चाहिए। और यहाँ पे आप बच्चों से लेके बड़ों के, बूढ़ों के और सब तरीके के कपड़े ले सकते हैं। और शादियों के तो यहाँ पे एक से एक एथनिक वेयर्स तो इतने अच्छे मिलते हैं मैं बता नहीं सकती। तो आप बाकी देख ही रहे होगे कितनी खूबसूरत जगह है और कितने खूबसूरत कपड़े मिल रहे हैं। तो लेडीज़ों के लिए तो यहाँ पर बाहर ही आ गए, एक बार लेडीज़ आ गई ना यहाँ पर तो उन्हें तो बस पागल ही हो जाना है। और यहाँ पे हर रेंज के कपड़े, मतलब अमीर से अमीर भी शॉपिंग कर सकता है, गरीब से गरीब भी। तो यहाँ हल्के दामों के भी, भारी दामों के भी, हर तरीके के कपड़े मिलेंगे। मतलब कोई यहाँ से ना उदास नहीं जाएगा, हर रेंज के कपड़े हैं। आप महंगे से महंगा भी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं है यहाँ महंगा नहीं है, बहुत अच्छा महंगा भी कपड़े मिलते हैं, ब्रांडेड भी मिलते हैं। प्लस यहाँ पे चीप एंड बेस्ट भी क्वालिटी मिलती है। यहाँ आपको बेले मिल जाएंगे जो सूटों पे लगाते हैं, जो कि किनारी बाज़ार में मिलती हैं सिर्फ बेले बेले। तो यहाँ पे आपको बेल अलग से कहीं जाना नहीं पड़ेगा। एक बार आप यहाँ आ गए ना तो आपको सब चीज़ मिली। यहाँ देखिए 10 रुपये की सेल मिल रही थी। इन भैया ने कहा मेरा को कि आप क्या कर रही हैं, मैंने कहा भाई मैं ब्लॉगर हूँ, मैंने बताया इनको, तो ये कहने के छाप बना लेते। मतलब 10 रुपये की सेल, कुछ भी ले लो 10 रुपये में, और कहाँ मिलेगा। और ये जान है गाइस पुरानी दिल्ली की, तो मैं खुद हूँ तो मुझे पता है ये जगह कितने अच्छी, मैं कितना मिस करती हूँ पुरानी दिल्ली को, यहाँ का रहना खाना पीना। इतना मज़ा आता था ना मुझे वो दिन अपने बचपन की, क्योंकि मेरा पूरा बचपन पुरानी दिल्ली में गुजरा है गाइस। तो आप सोच सकते हो मेरी एक्साइटमेंट कितनी होगी जब भी यहाँ जाती हूँ, सब भूल जाती हूँ। देखो यहाँ पर बेले कितनी अच्छी मिल रही हैं, और सूट कॉटन के ले लो, और यहाँ पे चादर ले लो, बेडशीट ले लो, कर्टेंस ले लो, मतलब एवरीथिंग कुछ भी मिलेगा। और ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत सूट हैं, ये रेडीमेड सूट यहाँ पे अच्छे मिलते हैं, पर्सेस कितने अच्छे मिलते हैं, और फैब्रिक भी मिलता है। अगर आप खुद सिलवाना चाहते हो तो फैब्रिक ले लो उसे, और एक से एक डिज़ाइन का मिलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। देखो मिठाई में ये गाजर का हलवा, सर्दियों की जान, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था देख के, बस मुझे शूट करना था तो इसमें इसीलिए कुछ खाई पी नहीं पाई। और यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स भी बहुत अच्छी मिल जाती है। देखिए यहाँ पे दुबई और बाहर के स्कार्फ, बुरके सब मिल जाएंगे आपको। आप देख सकते हैं कि हर तरह की वैरायटी है। ये जो जगह है यहाँ पे सेल थी, यहाँ 20 रुपीज़ से लेके 500 तक का सामान था, अंदर का कुछ भी ले सकते हो। और सारा सामान की क्वालिटी भी बहुत बहुत अच्छी थी। अच्छा मैंने जहाँ पे भी शॉप में मैंने वीडियो शूट करी है गाइस, ऐसे नहीं है मैंने कोई चुपके से शूट करी है, मैंने पहले उनसे इजाज़त ली थी, परमिशन लेके ही शूट करी, तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। और अब मैं आगे जाती जा रही हूँ, उतनी मेरी आँखें पड़ती जा रही हैं क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा सामान था। और यहाँ आपको गोल्ड भी मिलता है गाइस, गोल्ड की ज्वेलरी भी मिलती है। आप समझो बस मैं ये बता नहीं सकती कि यहाँ क्या क्या मिलता है। तो गाइस यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ भाई गर्म सूट से, जैसे आप बता सकते हैं कि विंटर्स आ चुकी हैं, तो चले आपको गर्म सूट दिखाती हूँ मैं, यहाँ कैसे कैसे मिल रहे हैं। स्टॉल पूरा दिखाइएगा, ये 450 में है जी, ठीक है क्या? तो इसे गरम पानी में धोना है? अरे कैसे भी धो लीजिए, हाँ गरम पानी कर लीजिए ना, डाल के बस वॉशिंग मशीन में नहीं धोए गरम कपड़े, पहन के सोना नहीं। चल ठीक है भाई, कश्मीरी डिजाइन है। ये कितने में? 650 सबके डिजाइन अलग होंगे। अच्छा। यानी मतलब एक ही डिजाइन, ये बॉर्डर वाला आ गया। अच्छा। और आपको मिलेगा पूरा भरा हुआ भी बॉर्डर, ये देखिए पूरा भरा हुआ, चाहे पूरा भरा हुआ ले लो। ये 650 में जी,
इसके कलर्स कलर्स मिल जाएंगे इसमें, पांच कलर होंगे, ब्लैक होगा, ब्लू होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, सी ग्रीन। दिखाइएगा कलर। हाँ कलर दिखा, खोलिएगा नहीं बस कलर दिखा दीजिए। क्या क्या, रेड और ब्लैक, पांच कलर है। ब्लैक दिखाइए, पट्टा पूरा भरा हुआ है, ये देखिए ब्राइडल हो गया। और दामन है और इसका पूरी ये भर गई स्टोर। इसका क्या वो है प्राइस? ये भी 650 में। इसके कलर्स हैं? कलर्स मिल जाएंगे आपको। इसके कलर दिखाइएगा। इसमें ब्लू मिलेगा, ब्लैक मिलेगा, मैरून मिलेगा। इसका दिखाइएगा मरून कलर। इसमें ब्लैक भी है। इसे खोलिए। सेम चीज़ यही। अच्छा सेम, रहने दीजिए। तो सेम चीज़ यही। ये 1000 में, ऊपर भी वो 1200, वो 1200 है, 1200। ठीक है। सो गाइस, कोशिश तो मैं कर रही हूँ कि मैं वॉइस ओवर अच्छे से कर पाऊँ, पर आप लोग प्लीज़ प्यार दीजिएगा इस व्लॉग को। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, अगर ये आती है तो मैंने व्लॉग शूट करा, देखिए अचार भी मिल रहा है। मतलब आप कह रहे हो क्या क्या चीज़ें, कौन सी मार्केट है जो आपके हर चीज़ मिले? मैंने ऐसी मार्केट नहीं कर दी जो हर चीज़ मिला। देखिए यहाँ फ्रूट के टोकरे शादी में जो बनते हैं या किसी बात पक्की होती है तो वो यहाँ आ जाते हैं, यहाँ आके बनवा लेते हैं, तो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सूट तो इतने हैं यहाँ पे, हर वैरायटी के सूट हैं। क्रॉकरी ले लो आप, दवाइयाँ ले लो, कैमिस की चप्पलें ले लो, दस्तरखान ले लो। आप देख सकते हो कि कितनी वैरायटीज अवेलेबल है। और देखो साथ ही साथ नारियल भाई भी आ गए। और ये ज्वेलरी की शॉप है। और मैं सोचा थोड़ा बहुत आपको दिखा दूँ अपने आप को, कभी आप सोचें कि ऐसी बनवा ली वीडियो। तो मैंने प्रूफ के लिए अपने आप को भी ले लिया था। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मज़ा आया गाइस। आप ज़रूर विज़िट करिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप लोग ऐसे पुरानी दिल्ली के हो तो ज़रूर ज़रूर आप लोगों ने देखा होगा। ज़्यादातर मेरे सब्सक्राइबर भी पुरानी दिल्ली से ही बिलोंग करते हैं, तो उन सबको पता ही होगा फिर तो। जल्दी से आप इंजॉय करो इसको। सो गाइस, यहाँ देखें देखिए जो जादू में पुरानी दिल्ली में ज़्यादातर खाने इन्हीं में बनते हैं, हमारे यहाँ पर शादियों में या कोई फंक्शन होता है तो। और गाइस ये देखो ये क्या है, आप पहचानो पहले तो, ये बकरे हैं। और मैं देख के शॉक हो गई थी, मैं एकदम डर गई थी, पर ये रियल नहीं है, ये नकली है, एज ए टॉय। आ गई थी मैं घर पे वापसी थक कर, बहुत ही मज़ा आया। और आपने भी देखा होगा कितनी मज़ेदार जगह थी, ज़रूर विजिट करें अगर आप पुरानी दिल्ली के हैं तो। ये वहाँ की दिल है समझो, पुरानी दिल्ली का। और लेडीज़ों के लिए तो बहुत अच्छी मार्केट है। तो गाइज़ थोड़ी देर बैठते हैं, थक गए हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज़ आने के बाद हम सो गए थे, मतलब मैंने, हमारी क्यूटी पाई सो गई थी। और देखिए मैं हयात के लिए क्या लाएंगे, आप तो क्या लाएंगे मम्मा आपके लिए, प्यारी प्यारी चोटिया। आप देखिए देखो गाइस बाल कितने लंबे हो गए, ये तेल लगा लगा के ना इन्होंने बाल लंबे कर लिए अपने, है ना, तेल लगा के बढ़ाए ना अपने बाल। सो गाइस हो रहा है टी टाइम, 6:30 बज चुके हैं, मगरिब की नमाज से हो गए हैं फारिग। सो गाइस पी रहे हैं हम अपनी चाय और ये इंजॉय कर रहे हैं अपने टर्किश सीरियल। इन्हें टर्किश सीरियल, टर्की के लोग और टर्की जगह बहुत पसंद है। और इनका एक दिन ख्वाब है टर्की जाना, इंशाल्लाह अल्लाह भेजेगा इनको इंशाल्लाह। सो मैं साथ जाएंगे तो मैं लेके जाऊंगा, मैं आपको अकेले जाने भी नहीं दूंगी। किस खुशफहमियों में रहते हैं ये जेंट्स लोग, सोचते हैं कि बीवे इनको छोड़ के इनको जाने देने के लिए, ऐसी खुशफहमी ना पालें। तो गाइस मैं खा रही हूँ बिस्किट, मैं इन्हें गिफ्ट लेकर आई यूनिबिक का फ्रूट और नट बिस्किट। चले से खाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइस रात के बज रहे हैं 11 और हमने ऑर्डर करा है, क्या ऑर्डर करा है, खराब न, हमने ऑर्डर करे हैं बर्गर्स, चिकन बर्गर एंड गूगल पे है ये मेरा रोल्स। हाँ, ठीक है ये है रोल्स चिकन के। तो गाइस खा रहे हैं अब हम, और खाते खाते ही मैं व्लॉग को करूंगी एंड।
सो गाइस चल रही है पार्टी और इसी के चलते आज का व्लॉग करते हैं एंड होप आपको व्लॉग अच्छा लगे। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।